गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7 करने वाले हैं। टोटल इसमें क्वेश्चन 7 ही है। तो लास्ट क्लास में आपको 1 to 3 बता दिए थे और अभी ऐसो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सीरियल वाइज जो क्वेश्चन हम लोग का चल रहा था वो 58 हो चुका था, तो 59 में देखिए क्या है। यही आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में आपका इन्वर्सल सेट दिया हुआ है, ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक दूसरा सेट दिया हुआ है, तो आपको वेरीफाई करके बताना है कि दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। एग्जैक्टली ये है क्या, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ में भी आपको जब बता रहे थे तो वहां पे 3 मेथड से प्रूफ करके बताए थे, तो उसमें एक मेथड ये भी था नहीं कि इस तरह का आप डिफरेंट डिफरेंट सेट ले लेते हैं और उसको आप प्रूफ करके निकाले थे। तो उसी तरह से इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो सेट्स दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो गिवन इनवर्सल सेट आपका है 1 to 9 तक, और एक दूसरा सेट है ए जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8, और एक तीसरा सेट है बी जिसका एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। नहीं, यहाँ पर 2, 3, 5, 7। आपको फर्स्ट में निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश। रिजल्ट सब लोग को याद है, कंप्लीमेंट का रिजल्ट आपको बताए थे कि ए का जो कंप्लीमेंट होता है हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इनवर्सल सेट माइनस ए। इसको वेन डायग्राम से भी आपको बताए थे। आपका वेन डायग्राम ये हो गया, इनवर्सल सेट ये है और ये सर्कल है, सो सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको कहा जाए ए डैश निकालना, तो इस ए डैश का मतलब क्या होता है, ए को छोड़ करके, ए नहीं होना चाहिए, तो ए को छोड़ करके, यानी कि ये वाले जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए डैश। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ए डैश क्या होगा, तो आप यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब ए को हटा दीजिए। ए के जितने भी सारे एलिमेंट है उसको जब आप हटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो ए डैश कहलाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर है आपका ए यूनियन बी का होल डैश निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इनवर्सल सेट में आप ए यूनियन बी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपका ए यूनियन बी का होल डैश निकलेगा। अब ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या बताए थे, सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, ए के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो यहां पर एलिमेंट है आपका 2, 4, 6 और 8। इसके बाद बी के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो यहाँ पर बी में 2 है, तो 2 तो हम लोग लिख चुके हैं, तो इसके बाद फिर क्या होगा, 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब इसी को आप सिस्टमेटिक लिख दीजिए। सिस्टमेटिक जब लिखेंगे तो 2 सबसे पहले होगा, उसके बाद आपका 3 होगा, उसके बाद आपका 4 होगा, उसके बाद आपका 5 होगा, इसके बाद आपका 6, फिर 7, फिर 8। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका क्या निकल गया, ए यूनियन बी। आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश। तो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा इनवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो दो सेट का डिफरेंस भी आप निकालने के लिए जानते हैं। क्या करने के लिए बताए थे, दो मेथड बताए थे, या तो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल करके और जो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है इनवर्सल सेट में से हटा दीजिए, वही वैल्यू हो जाएगा। दूसरा बताए थे कि इनवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, ध्यान में ये रखना है कि ए यूनियन बी में वो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इनवर्सल सेट का पहला एलिमेंट क्या है, 1, 1, देखिए तो इसमें है नहीं है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 2 है, तो 2 भी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगातार यहाँ से लेकर यहाँ तक, बच गया कौन, 9, तो 9 लिख दीजिए। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये क्या निकल गया, ए यूनियन बी का होल डैश। अब मेरे को क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ए डैश निकालना होगा। तो देयरफॉर ए डैश अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, अभी बताए थे यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट में से ए का एलिमेंट को हटा दीजिए, तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 है, तो इसमें से 2, 4, 6, 8 हटा दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो ए डैश कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया, फिर क्या बच गया, 3 बच गया, फिर क्या बच गया, 5, इसके बाद है सो 7, फिर इसके बाद 9।
ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये ए डैश निकल गया। फिर मेरे को क्या निकालना होगा, बी डैश। तो अब यहीं पे बी डैश निकाल दे रहे हैं, तो बी डैश कैसे निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में बी को हटा दीजिए। यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है उसमें से बी सेट जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7, तो 2, 3, 5, 7 हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 1, 4, 6, 8, 9। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1, 4, 6, 8, 9, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब कह रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये ए डैश के एलिमेंट हो गया, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दिए, और ये आपका है सो बी डैश हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखिए कॉमन 1 है, उसके बाद 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, क्या है, 9 है। यानी कि ये दोनों में क्या कॉमन है, 1 और 9। तो यहाँ पे 1 और 9 लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो देखिए तो ए यूनियन बी का होल डैश ये भी आपका 1, 9 आया, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये भी आपका 1, 9 आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो हेंस ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको याद रखने का तरीका भी बताए थे डी मॉर्गन्स लॉ जब पढ़ा रहे थे, कि यहाँ पे याद क्या रखना है कि अगर होल डैश है और अंदर में यूनियन है तो अलग अलग जब डैश करेंगे यानी कि अलग अलग कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में। तो ये आपका फॉर्मूला डी मॉर्गन्स लॉ है, ये आपको 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी जब पढ़िएगा तो वहां पर भी जरूरत पड़ेगी, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए सेकेंड में अब हम लोग देखते हैं, सेकेंड में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में जो कॉमन है, तो देखिए तो ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इसका होल डैश, तो होल डैश जब निकालेंगे देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट को आप हटा दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 2, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या हटेगा, 2, बाकी सारा एलिमेंट आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और करली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ए डैश। तो ए डैश तो अभी हम लोग निकाले हुए थे, ए डैश इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, नहीं, और ए यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट को हटा दीजिए। तो यहां से 2, 4, 6, 8 हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 1, 3, 5, 7, 9, तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 आ गया। ठीक उसी तरह से बी डैश अभी हम लोग निकाले, बी डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब बी का जो एलिमेंट है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 जब हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, 4, 6, 8, 9, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 4, 6, 8, 9। अब ये दोनों का क्या करना होगा, यूनियन निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ए डैश यूनियन बी डैश। ए आपका क्या है, तो ए आपका है 1, 3, 5, 7, 9, बीच में यूनियन है तो यूनियन का साइन दिए, फिर यहाँ पर बी डैश 1, 4, 6, 8, 9। अब देखिए दोनों का यूनियन निकालना है, यूनियन निकालने में क्या करते हैं, अगर ए यूनियन बी होता है तो आपको बोलते थे कि पहले ए का एलिमेंट को लिख दीजिए उसके बाद बी के एलिमेंट को लिखते हैं। ध्यान में ये रखना कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम लोग ए डैश के एलिमेंट को अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। इसके बाद इसके बी डैश के एलिमेंट को लिख दीजिए, तो 1 तो आप लिख चुके हैं, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 4, 6, 8, 9, फिर इसके बाद आ गया। ठीक है, तो 9 तो हम लोग लिख चुके हैं, तो 9 अब लिखेंगे नहीं, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। इसी चीज को अब आप क्या कीजिए, सिस्टमेटिक कर दीजिए। तो सिस्टमेटिक जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बाद आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या होगा, 4, उसके बाद 5, फिर 6,
फिर 7, फिर 8, फिर 9. अब देखिए तो ये 1, इसमें क्या है, 1 से लेकर के 9 तक है, सिर्फ 2 नहीं है. और इसमें भी देखिए 1 से लेकर के 9 तक है, सिर्फ 2 नहीं है. तो दोनों का राइट साइड अगर इक्वल हो गया तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश. इसको भी याद करने का तरीका बताया था कि जब भी होल डैश होता है और ब्रैकेट टूटता है तो उसका साइन को आप चेंज कर दीजिए. अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा. इसको कंप्लीट कीजिए. यहां तक हो गया सभी लोग को? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16. ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है. अब आपको क्या कह रहा है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको वेन डायग्राम बनाना है. डिमॉर्गन्स लॉ, ये देखिए फिर आपका डिमॉर्गन्स लॉ का ही हो गया. ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. इसका मतलब इसका और इसका वेन डायग्राम सेम होगा. फिर आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश. इसका मतलब ये दोनों का वेन डायग्राम सेम होगा. तो वेन डायग्राम डिटेल में जब डिमॉर्गन्स लॉ आपको प्रूफ कर रहे थे तो उसमें 3 मेथड से बताए थे. तो उसमें आपको वेन डायग्राम मेथड से भी प्रूफ करके बताए थे और आपको समझ में आ जाए, इसीलिए 5-5 हम लोग वेन डायग्राम बनाए थे. यहाँ पे 5 नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि पहले आपको बता चुके हैं. सीधा डायरेक्ट 1 में आते हैं. आपको कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल डैश बताइए. तो ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब क्या समझते हैं, ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए. तो वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, कॉर्नर में यू लिख देते हैं. ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है. यहां पर कितना सेट है, 2 सेट है, तो 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और नाम दे दिए ए और बी. आपको करना क्या है, अगर आपसे कहा जाता कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाइए तब आप क्या करते, ये दोनों सर्कल को कलर कर देते. नहीं, लेकिन आपको क्या कर रहा है, ए यूनियन बी का होल डैश, यानी कि ये दोनों सर्कल को छोड़ करके, यानी कि ए यूनियन बी को छोड़ करके, तो ए यूनियन बी को छोड़ करके, तो ये दोनों सर्कल को छोड़ करके इधर वाला पार्ट को सेटेड कर देंगे, ठीक है. यहाँ पर इधर वाला पार्ट आप क्या कीजिएगा, घर में इस तरह से लाइन खींच लीजिएगा, तो ये सेटेड हो गया. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी का होल डैश. ये बात सबको समझ में आया. चलिए दूसरा का ग्राफ देखिए. दूसरा का जब ग्राफ आपको खींचना होगा, ध्यान से समझिए. देखिए ये आपका ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है. आपको कहा जाए कि ए डैश का वेन डायग्राम बनाइए, ए डैश. तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए नहीं होना चाहिए. तो देखिए ए नहीं होना चाहिए. अब इधर हम क्या कर रहे हैं, साइडेड कर रहे हैं. तो ए मेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए नहीं होना चाहिए. बस बी तो हो ही सकता है, ए नहीं होना चाहिए. ये किसका वेन डायग्राम हो गया, ए डैश का. ये किसका हो गया, ए डैश का. अब हम आपसे पूछे कि बी डैश का वेन डायग्राम बनाइए. किसका बनाना है, वी बी डैश का. तो बी डैश का मतलब बी नहीं होना चाहिए. तो देखिए तो अब हम कलर चेंज कर दिए, बी नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी नहीं होना चाहिए. देखिए तो ये वाले पार्ट अब सेटेड नहीं किए, ठीक है. अब आपको कहा जाए कि ए इन ए डैश इंटरसेक्शन बी बताइए. तो अब देखिए दोनों कलर का जो लाइन है, एक लाइन आपका ऐसे है, ठीक है, इस कलर का लाइन आपका ऐसे है और इस कलर का लाइन आपका ऐसे है. जहां पे इस तरह से आपका आया है लाइन, ठीक है, जहां पर आपका इस तरह से लाइन आया है वो कॉमन पार्ट हो गया. क्या बोल सकते हैं, जहां पे इस तरह से लाइन आया वो कॉमन पार्ट हो गया, और जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा वो कॉमन पार्ट नहीं है. तो अब आपको कहा जाए कि ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश बताइए, तो कॉमन पार्ट क्या है. अब ब्लैक से हम कर दे रहे हैं, ठीक है. तो कॉमन पार्ट देखिए क्या है, कॉमन पार्ट आपका ये वाली पार्ट है, सो कॉमन पार्ट हो गया. देख लीजिए ये जो पार्ट है आपका कॉमन पार्ट हो गया. इसी चीज को डिमॉर्गन्स लॉ में 5 वेन डायग्राम बना के आपको समझाए थे, ठीक है. तो देखिए अब फाइनल क्या हुआ, अब इसको देखिए और इसको देखिए,
क्या यही वाला पार्ट जिसमें जो पार्ट इसमें साइडेड है वही पार्ट इसमें भी साइडेड है, समझ में आ रहा बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, समझ में आ रहा बात? तो इसको एक ग्राफ में अगर समझाना हो तो इस तरह से कर देंगे। ठीक उसी तरह से थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मतलब क्या समझे, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके, तो यहां पर देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाली पार्ट को छोड़ करके सारे को साइडेड कर दीजिए, यानी कि इधर वाला भी पार्ट साइडेड होगा, ये भी पार्ट साइडेड होगा और ये भी पार्ट साइडेड होगा। तो जो बच गया ये क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो साइडेड पार्ट है वेन डायग्राम किसका है, तो आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। कैसे, तो आप देखेंगे कि कौन सा साइडेड नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी साइडेड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। फोर में क्या कह रहा है, फोर में आपका कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसको भी अगर आपको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो अगर आपको ये वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से आप वेन डायग्राम बनाते हैं, तो यहां पर दो सर्कल बना दी, ये ए है ये बी है, अब और ये इन्वर्सल से आपको कहा जाए कि ए डैश का वेन डायग्राम बनाइए। तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ करके, तो फिर देखिए यहां पे उसी तरह से कर रहे हैं, ए को छोड़ करके, ठीक है, ए को छोड़ करके आप वेन डायग्राम बनाए ऐसे, ये क्या कहलाएगा, ए डैश। अब आपको कहा गया कि बी डैश का वेन डायग्राम बनाइए, तो बी डैश को बी को छोड़ करके, तो देखिए बी को जब छोड़ेंगे तो सिर्फ बी वाला है सो साइडेड नहीं करेंगे, बाकी सारे पार्ट को साइडेड कर दिए। अब आपको कहा गया यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, ए डैश का भी होना चाहिए बी डैश का भी होना चाहिए, तो देखिए तो कौन सा पार्ट बच गया, कौन सा पार्ट बचा, ये वाली पार्ट बचा, समझ में आ रहा है? तो आप घर पे कॉपी पे बनाइए, तो अगर आपके पास भी दो कलर का पेन है तो आप भी इसी तरह से साइडेड करके दिखा दीजिए, समझ में आ रहा है? और नहीं समझ में आता इससे तो आप है सो डिमोर्गन्स ला जा करके देखिए, वहां पे पांच पांच वेन डायग्राम बना करके अलग अलग बताए थे, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर ये हो गया आपका ए डैश है, तो ए डैश का मतलब क्या हुआ कि ए को छोड़ करके देखिए, और दूसरा कह रहा है बी डैश, तो बी को फिर छोड़ करके जब करेंगे तो इधर वाला पार्ट आ जाएगा, दोनों का यूनियन लेना है, तो दोनों का जब यूनियन लीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट छूटेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो यही आपका कह रहा था कि वेन डायग्राम से आप इसको बताइए, नोट कर लीजिए सब लोग। यहां तक कर लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, कह रहा है कि कोई भी प्लेन है तो किसी भी प्लेन में आप कितने ट्रायंगल खींच सकते हैं, कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल आप बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट आपका वही हो गया कि किसी भी प्लेन में जितने भी सारे ट्रायंगल हो सकते हैं वो सारा है सो यूनिवर्सल सेट में आ गया। अब आपको क्या कह रहे हैं कि इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ए जो आपका सेट है वैसे ट्रायंगल का सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, हो सकता है दोनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकता है तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट लिखा हुआ है क्या, कम से कम एक एंगल जो है आपका 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, लेट करके लिखा हुआ है तो गिवन नहीं लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में मान लेते हैं कि किसी प्लेन में आप बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डॉट डॉट डॉट, किसी भी प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप बना सकते हैं। एंड
ए क्या दिया हुआ है? तो ए जो आपको दिया हुआ है कि कम से कम ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां पर ए दिया हुआ है कि ट्रायंगल विथ एक सच दैट एक्स इज ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल है सो आपका 60 डिग्री है से डिफरेंट है, तब आपको निकालना क्या है, देयरफॉर ए डैश निकालना है। तो ए डैश क्या होता है, इनवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसमें जो है देखिए, अब ट्रायंगल जो है कैसे कैसे होते हैं, तो आपका ऐसा हो सकता है कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री हो, बात को समझिए ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि किसी भी ट्रायंगल का जैसे देखिए यहां पर ये 90 डिग्री ले लिए, ये 45 कर दें और ये 45, तो यहां पर क्या हो गया कि एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं है। अगर एक ऐसा ट्रायंगल ले लें ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो इसमें फिर क्या हो गया कि दो एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, इसमें एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं है। तो क्वेश्चन में कहा क्या रहा था कि कम से कम एक तो डिफरेंट होना ही चाहिए, दो भी डिफरेंट हो सकता है, तीन भी डिफरेंट हो सकता है। तो जो ट्रायंगल बचा वो कौन सा बचा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ए डैश जब हम लोग निकालेंगे तो ए डैश वैसे ट्रायंगल का सेट होगा जो जिसका तीनों एंगल है सो 60 डिग्री होगा। ए डैश जो है वैसे ट्रायंगल का सेट होगा जो तीनों एंगल क्या होगा 60 डिग्री, और जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आ गया सब लोग को? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x such that x is the set of all equilateral triangle, यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 62। ये क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है एक्सरसाइज 1.5 का, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको कह रहा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, बताइए, ये तो सारा रिजल्ट आपको कॉम्प्लीमेंट में बताया हुआ। कह रहा है ए यूनियन ए डैश, ए और ए डैश क्या हो जाएगा, यूनियन कह रहा है, यूनिवर्सल सेट की इक्वल होगा, बताया हुआ है ना, तो ये क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा है ना, यूनियन आपसे कह रहा है, देखिए नहीं समझ में आता है ना, जहां पर भी दिक्कत हो तुरंत आप अपने दिमाग में वेन डायग्राम को लाइए। ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, आपको क्या कह रहा है ए का एलिमेंट भी होना चाहिए और ए डैश का भी एलिमेंट होना चाहिए। ए डैश कौन सा हो गया, ए डैश ये हो गया, ए को छोड़ करके ए डैश, तो इस तरह से तो टोटल ना कलर हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। तो जहां पर भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो ना, वहां पे आप क्या कीजिए वेन डायग्राम बना लीजिए। जैसे अब यहां पे सेकंड में क्या कह रहा है, फाई डैश और इंटरसेक्शन ए डैश, फाई डैश का मतलब क्या हुआ, फाई तो इंपटी सेट है और उसका डैश जब आप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका डैश है सो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट आपका दिया हुआ है और इंटरसेक्शन ए, आपको क्या बताए थे कि ए जो है या दुनिया में जितने भी सारे सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो ये दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालिएगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ये बात, तो यहां पर ए लिख देंगे। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये क्या हो गया फाई हो गया। और फोर्थ में क्या कह रहा है, यूनिवर्सल यू डैश है, फोर्थ में क्या कह रहा है यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब यू डैश का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो क्या होगा फाई होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया फाई। अब फाई और ए का इंटरसेक्शन देखिए, यहां पे फाई और ए का इंटरसेक्शन, तो फाई में तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो कॉमन क्या होगा फाई हो गया, तो इसका भी आंसर क्या हो गया फाई हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? तो चलिए ये चैप्टर भी आपका फिनिश्ड हो गया, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1.6 का थ्योरी पढ़ेंगे, वो लास्ट थ्योरी होगा, फिर सिर्फ थ्योरी आपका खत्म हो जाएगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आपसे और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।